नमस्कार किसान भाइयों, एग्री ट्रैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रिव्यू और स्पेसिफिकेशन करूंगा फार्म ट्रैक 35 ऑलराउंडर ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर आप कंपनी ने ऑलराउंडर चैंपियन वैल्यू मैक्स बनाया है। इसमें थोड़े बदलाव किए हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग कर दिया, लिफ्ट की कैपेसिटी बढ़ा दी। तो मैं आज आपको सारा बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की एचपी के बारे में। ये ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर AV पंप के साथ मिलेगा। ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर दे रखा है, जो कि अगर आपके फ्यूल में पानी आ जाता है तो ये रबड़ रिंग है जो ये पानी में तैर जाता है, और इसको यहाँ से थोड़ा लूज करके पानी को निकाल दो, जो आपके ट्रैक्टर में फ्यूल है वो साफ होकर आगे जाता रहेगा, जिससे इंजन को कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। और अब बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। जो ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल है वो हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दे रखा है ट्रैक्टर में। और अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग दिया गया है, इसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। सिंगल एक्टिंग का किसान भाई डबल से ज़्यादा फायदा है, जो कि इसमें लाइन आउट नहीं होती, आप ट्रैक्टर को जैसी मर्जी चलाओ। और इसमें ऑप्शनल है किसान भाई, पावर में भी ले सकते हैं और मैनुअल में भी ले सकते हैं। ट्रैक्टर की बैटरी साइड में दे रखी है। और अब बताते हैं आपको ट्रैक्टर के, और 1 स्टेप चढ़ने के लिए दे रखे ट्रैक्टर में। और जो ट्रैक्टर की सीट है किसान भाई, वो एडजस्टेबल सीट है, किसान इसको अपने हिसाब से इस लीवर से आगे या पीछे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप बात करते हैं ट्रैक्टर के मीटर क्लस्टर के बारे में। जो ट्रैक्टर के मीटर क्लस्टर हैं वो काफ़ी अच्छे दे रही हैं आप कंपनी ने, जिसमें से ये ऑयल का है, ये RPM का है, ये टेम्परेचर का है, यहाँ पे हावर्स आते हैं लिखे हुए, कितने घंटों तक ट्रैक्टर चल चुका है, यहाँ पे सिंबल आते हैं कुछ बैटरी वगैरह के लिए। और किसान भाइयों, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है कंपनी ने छोटा कर दिया पावर स्टीयरिंग के हिसाब से। और इसमें यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे रखा है कंपनी ने मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। और ये रिफ्लेक्टर बटन दे रखा है, जिसको आप ऑन करोगे तो ट्रैक्टर के जो मडगार्ड वाले इंडिकेटर हैं वो अप डाउन करेंगे। और यहाँ पे किसान की हेल्प के लिए कंपनी ने चार्ट भी दे दिया है। और जो इसका गियर बॉक्स है किसान भाई, वो सेंटर गियर बॉक्स है। सेंटर गियर बॉक्स में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। इस और इसमें किसान भाइयों, गियर बॉक्स है वो कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स दिया है कंपनी ने। और इसमें किसान भाइयों, डुअल क्लच है, जो इसका PTO पावर का क्लच है वो पेडल में ही है। और नीचे आपको PTO पावर का गियर देखने को मिलेगा, ये PTO पावर का गियर दे रखा है। और जो इसके ब्रेक हैं किसान भाइयों, वो ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक हैं। और आप बात करते हैं ट्रैक्टर के लिफ्ट कैलिवर के बारे में। यहाँ पे आपको पोजीशन कंट्रोल के लिए ब्लैक वाला और ड्राफ्ट के लिए ऑरेंज वाला लीवर दिया रखा है। नीचे पार्किंग ब्रेक दे रखे हैं, जो कि आप ये ट्रैक्टर थोड़ी ऊंचाई पे खड़ा है पार्किंग ब्रेक लगा रखे हैं। अगर आपको खोलने हुए तो इसको ऊपर उठा के ऐसे घुमा के नीचे छोड़ दो और ब्रेक पे पैर मार दो, तो आपके जो ब्रेक खुल जाएंगे। और एक्सीलेटर ये हाथ वाला दे रखा है, काफ़ी अच्छा है। और ये पैर वाला दे रखा है। और नीचे कुछ सिंबल मिलेंगे, जैसे बैटरी वगैरह, हॉर्न के लिए, इंजन को स्टॉप करने के लिए, स्विच वगैरह के लिए। और ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी लंबाई भी है। और जो किसान भाइयों, इसका फ्यूल टैंक है ट्रैक्टर का, वो 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। राइट साइड में आपको एक मिरर मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी लिख के दे रही है केयर 24/7 ड्रिफ्ट। जो कंपनी है वो किसान के साथ 24 घंटे 7 दिन खड़ी है, जो कि आपके ट्रैक्टर में दिक्कत आए तो कंपनी उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके देगी। काफ़ी अच्छे स्टाइलिश मडगार्ड दे रखे हैं ट्रैक्टर की वाइट कलर में। लेफ्ट मडगार्ड पे अपना टोल फ्री नंबर दिया है, अगर किसी किसान को बात करनी हो तो कंपनी से कर सकते हैं। और किसान के चढ़ने के लिए यहाँ पे सपोर्ट दी है, ये एंगल दे रखे, किसान आराम से चढ़ सकता है। काफ़ी अच्छी लाइट दे रखी है। अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। जो इसके रिवर्स टायर हैं किसान भाई, वो 13/6/28 के हैं। और जो इसके फ्रंट टायर हैं
16 के हैं। और आप बात करते हैं ट्रैक्टर की फ्रंट की, फ्रंट पे आपको फार्म ट्रैक कंपनी की ब्रांडिंग और एक कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी बम्फर मिलेगा। बम्फर में आगे एक छोटी हिच भी दे रखी है कंपनी ने, और काफ़ी हैवी जालिया और जाली के ऊपर स्टील की बाइंडिंग और पैंती लिखा हुआ मिलेगा। और जो किसान भाइयों इसका एयर क्लीनर है वो 3 स्टेज ऑयल क्लीनिंग है। पीछे किसान भाइयों आपको सिंगल रिडक्शन देखने को मिलेगी जिसको हैवी ड्यूटी एक्चुअली बोलते हैं। और स्टे बार देखें ट्रैक्टर में काफ़ी हैवी, पहले सोंगल थी जैसे सोंगल हिलती थी तो लिंक ऐसे ऐसे करती थी, लेकिन अब नहीं करेगी, ये एक जगह सेट हो जाएगी। और राइट लिंक में आपको एक जैक दिया जाएगा जिसके हिसाब से किसान इसको ऊपर नीचे कर सकता है। जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1500 केजी है और PTO 540। टॉप लिन और हुक कंपनी साथ में दे रही है। 1 डिस्ट्रीब्यूटर लगा है ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक काम करने के लिए। और पीछे की ओर आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा सीट के पीछे की ओर, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा है, टैली वगैरह में लाइटें लगवाते हैं उसके लिए। और टूल है जो वो फाइबर का कर दिया है, पहले लोहे का था ये, जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते थे तो ये कंपिंग करता था, लेकिन अब नहीं करेगा, फाइबर का टूल कर दिया कंपनी ने। राइट मडगार्ड पे एक बड़ी लाइट दे रखी है कंपनी ने रात को किसान को काम करने के लिए। और सीट की बैक साइड में एक वाटर बोतल स्टैंड दे रखे हैं। और यहाँ पे मरगाट की साइड में चार्ट भी दे रखे हैं कंपनी ने किसान की हेल्प के लिए। और ये ट्रैक्टर किसान भाइयों 5 साल की वारंटी के साथ है। तो किसान भाइयों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।